हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आज आपके सामने एक BSSSB की DSSSB की जो अभी ऑनलाइन फॉर्म निकले थे, ठीक है, 25 मई को 2021 से इसके लास्ट डेट है 24 जून 2021, ठीक है। किस किस के फॉर्म निकले थे? DSSSB में टीचिंग लाइन के भी निकले थे, नॉन टीचिंग लाइन के भी निकले थे। तो यहाँ मैं आपको जो सिलेबस बता रहा हूँ वो आपका PRT, ठीक है, PRT, TGT और PGT से रिलेटेड बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर में SSC का भी सिलेबस बताने वाला हूँ, मैथ का, SSC का सिलेबस बताने वाला हूँ मैथ के, ठीक है। तो आप क्यों आगे CGL का पेपर आएगा, ठीक है, इसके लिए। तो ये बैच इस चैनल पर स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपना इंट्रोडक्शन कि DSSSB के जो PRT, TGT और PGT हैं उनके दो दो एग्जाम होंगे, ठीक है। तो एक तो सिंपल एग्जाम होगा जिसको हम पेपर वन कहते हैं, पेपर वन, ठीक है, और पेपर टू, तो पेपर वन में क्या सब्जेक्ट आएंगे, पेपर टू में क्या सब्जेक्ट आएंगे, ये हम बात कर रहे हैं PRT से रिलेटेड, PRT से, ठीक है। तो इन दोनों को पास करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, जनरल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जनरल में को चाहिए 40% पेपर वन में भी और 40% पेपर टू में भी, बाकी अपने कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लें। तो पेपर वन में क्या क्या सिलेबस है, पेपर वन में PRT के अंदर आएगा आपका रीजनिंग, रीजनिंग, ठीक है, जो कि कितने नंबर की आएगी, 20 नंबर की। सेकंड सब्जेक्ट क्या आएगा आपका, जनरल अवेयरनेस, यानी जिके कह सकते हो आप सिंपल भाषा में, ठीक है, ये भी 20 नंबर की आएगी। नंबर तीन पर क्या आएगा आपका, मैथ आएगा जो अर्थमेटिक के नाम से होगा, तो ये भी 20 नंबर का, ठीक है। नंबर चार लैंग्वेज आएंगी दो, हिंदी और इंग्लिश, तो इंग्लिश ये भी 20 नंबर की, और क्या आएगा, हिंदी, हिंदी ये भी क्या है, 20 नंबर की, ठीक है। जो पेपर वन है वो किस किस से रिलेटेड रखेगा, आपके तीनों से रखेगा, PRT, TGT और PGT से, ठीक है। तीनों का पैटर्न सेम है पेपर वन का, ठीक है। तो पेपर वन में सभी का बता रहा हूँ, कॉमन है पेपर वन तो सभी का। तो पेपर टू, PRT, पेपर टू किस टाइप का आएगा, PRT में पेपर आएगा सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं आता, इसमें क्या आता है आपका, आता है साइकोलॉजी से रिलेटेड, साइकोलॉजी, ठीक है। CDP आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। एंड फिर आएगा आपका टीचिंग से रिलेटेड आएगा, टीचिंग से रिलेटेड आएगा, ठीक है, टीचिंग रिपोर्ट वगैरह, रिजल्ट वगैरह कैसे क्या होता है, उसके आधार पर क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका आएगा NCF, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 वाला, उसके ऊपर पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका राइट टू एजुकेशन आएगा, ठीक है, और फिर आपका आएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में हुआ था लॉकडाउन के कारण, उसके बारे में पूछे जाएंगे, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट बताए मैंने, ठीक है। तो इसके आधार पर हैं, बाकी क्या पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके जीके के भी पूछे जा सकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन क्या है जीके के भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो PRT का सिलेबस था, तो
दोनों में पास होने के लिए क्या चाहिए, दोनों पेपर में इस पीआरटी वालों ने 40-40% कम से कम चाहिए, ठीक है। तो ये जो चैनल है मैथ से रिलेटेड है, तो मैं इसमें मैथ के बारे में बताऊंगा, मुझे इस और ज़्यादा के बारे में कुछ नहीं पता। तो अपना स्टार्ट करते हैं मैथ का। तो आप ये सोचते हो कि इसकी पेपर टू की तैयारी कहाँ से करें, पेपर टू की तैयारी आप कहाँ से करोगे, जो आपने थ्योरी पढ़ी थी ना, डीएलडी मतलब जो भी कोर्स आपका, थ्योरी से याद करना, जो आपने कोर्स के दौरान पढ़ा था वो सारा पैटर्न है, ठीक है। या फिर यूट्यूब की मदद लेना, यूट्यूब की मदद ले लेना, या फिर NOIOS इसकी बुक आएगी उससे मदद ले लेना सेकंड पेपर के लिए, ठीक है। तो मैथ में क्या आएगा, मैथ में क्या क्या आएगा, जो मुझे सिलेबस कराना आपका मैथ में, जो तीनों में कॉमन होगा, टीजीटी में भी, पीआरटी में भी और पीजीटी में भी, ठीक है। तीनों में कॉमन जो मैथ है पेपर वन का, उससे क्या क्या आएगा, तो पेपर वन जो आपका 20 नंबर का आएगा ना, उससे मैं क्या क्या आएगा, उसमें आएंगे आपके नंबर सिस्टम, फर्स्ट नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या आपका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन हिंदी में और लिख लेते हैं, नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सरलीकरण, ठीक है। नंबर 3 पर क्या, कौन सा चैप्टर आ सकता है, स्क्वेयर रूट या क्यूब रूट, स्क्वेयर रूट, रूट एंड क्यूब रूट से रिलेटेड आ सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग है वर्गमूल तथा घनमूल, ठीक है। नंबर 4 परसेंटेज का, चाहे परसेंटेज के क्वेश्चन आ सकते हैं, परसेंटेज जिसका मीनिंग है प्रतिशत, ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ में क्या आ सकता है आपके, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आ सकता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्काउंट क्या मतलब है, लाभ हानि तथा छूट, ठीक है। तो नंबर 6 पे क्या है आपका, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ सकता है, एचसीएफ एंड एलसीएम जिसका मतलब है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। नंबर 7 से क्या चैप्टर आएगा आपका, रेशियो प्रोपोर्शन आ जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसका मतलब है हिंदी में अनुपात तथा समानुपात, समानुपात, ठीक है। तो अगला चैप्टर कौन सा आ सकता है, वर्क एंड टाइम पर, टाइम एंड वर्क, वर्क के अंदर ही हम क्या ऐड कर देते हैं, वेजेस, वेजेस क्या होते हैं बताता हूँ मैं, तो समय तथा कार्य तथा वेजेस क्या है, जो आमदनी, आमदनी, ठीक है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं,
नेक्स्ट चैप्टर क्या है इसमें, पाइप एंड सिस्टर्न है, पाइप एंड सिस्टर्न। ये जो चैप्टर है ना, पाइप मतलब नल की, नल तथा टंकी, जो 8 और 9 चैप्टर है ना वो एज इट इज बिल्कुल मिलते जुलते चैप्टर हैं, मेथड वो ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा आ सकता है, सीरीज वाइज गिनते हैं, एवरेज आ जाएगा, एवरेज औसत। फिर इसके बाद क्या आ सकता है, सर्च एंड इंडिक्स, इंडिक्स इसका मतलब क्या है, करणी तथा घातक, करणी तथा घातक, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 12 पे क्या लेंगे, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजिज, मतलब आयु संबंधी समस्या, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 13 मिक्सचर, मिक्सचर से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, मिक्सचर एंड एलिगेशन, दोनों का मतलब क्या होता है, मिक्सन मिश्रण ही होता है, ठीक है, मिश्रण से क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 14 टाइम स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब क्या, समय, चाल तथा दूरी, इसके क्वेश्चन देखे गए ट्रेन के अकॉर्डिंग, ट्रेन से क्वेश्चन पूछे हैं इसके, तो हम अच्छे से करवाएंगे इस चैप्टर को। ये 14 चैप्टर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने जो एग्जाम करवाए हैं DSSB के प्रीवियस ईयर के, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे ट्रेन के, ठीक है, जो रिलेटेड है टाइम स्पीड से। इसके बाद हम इसी से बेस बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, इसके बाद हम क्या करेंगे, 16 नंबर पर क्या आएगा चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, मतलब कि सामान्य ब्याज, सामान्य ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, इस बेस पर क्वेश्चन, इस बेस पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं इस एग्जाम में, SI और CI पर। 70 मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन क्या, छत्रमति, छत्रमति, ठीक है, इसके दो टॉपिक हैं, एक टॉपिक है 2D में, एक टॉपिक है 3D में, शेप, ये शेप, शेप्स हैं, ठीक है। तो ये 17 चैप्टर इम्पोर्टेंट है आपके इस जो पेपर वन के क्वालिफाइंग के लिए, जो ओनली 20 क्वेश्चन आएंगे जो पेपर वन में, ठीक है, तो हमें ये 17 चैप्टर पढ़ने हैं। बाकी अगर आप स्टार्ट SSC की भी तैयारी करते हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत मदद करेंगे। तो अब मैं ये बता देता हूँ कि पेपर वन में जो ज्यादातर क्वेश्चन किस तरह किस से आते हैं, या तो मेंसुरेशन से देखे गए हैं, SI CI से देखे गए हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस से देखे गए हैं, मिक्सचर एलिगेशन का भी कोई कभी कभी दिखता है, ये 12th से देखे गए हैं, एवरेज से, ठीक है, और टाइम एंड वर्क से, रेशियो प्रोपोर्शन से, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से, परसेंटेज से, ठीक है, और बाकी आप देख लेना कम से कम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ये 9 चैप्टर ऐसे हैं 17 में से जिसके क्वेश्चन बार बार देखे जा चुके हैं, और बाकी क्वेश्चन दे देंगे किसी ना किसी चैप्टर से। तो ये थे मेरे पेपर 1 PRT TGT और PGT तीनों के लिए। और अगर आप लोग चाहो तो SSC का जो अर्थमेटिक है ना, SSC जो आप CPO CGL की तैयारी करते हो, MTS की GD की, तो ये आपका अर्थमेटिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा अर्थमेटिक। ठीक है, तो SSC का अर्थमेटिक के भी यही चैप्टर हैं, तो हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो SSC का टॉपिक और करवा देता हूँ बीच में एक, कि आपका SSC के क्वांट में दो पार्ट होते हैं, मैथ के, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस एडवांस। ठीक है, तो एडवांस के चैप्टर और देख लो, एलजेब्रा आएगा, एलजेब्रा नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्री नंबर 3, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सभी इसी पे बेसिस हैं। ठीक है, नंबर 4, इसके बाद आपको देखा जाएगा कि ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या क्या आता है, आपके ट्रायंगल सर्कल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, 5th पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपके वर्टेक्स के पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, नंबर सिक्स पर आपका आ जाता है मेंसुरेशन, जो कि 2D और 3D शेप होती है, जो कि हम करवा चुके हैं पिछले पीछे एक्सरसाइज में, सॉरी पीछे डिस्क्रिप्शन में। तो ये SSC का सिलेबस है, और PRT TGT PGT मैथ का मेन सिलेबस, सॉरी पेपर 1 का सिलेबस है। तो पेपर 1 का सिलेबस मैंने बता दिया, और PRT पेपर 2 का भी बता दिया क्या क्या आएगा। अब बचा क्या, TGT और PGT। ठीक है, DSSB, TGT और PGT, TGT PGT पेपर 2, पेपर 2 बच्चा ना। ठीक है, तो दोनों में क्या है, सेम सिलेबस आता है। TGT में 9th 10th, अगर आप इनकी तैयारी करना चाहो तो बेसिस क्या आता है, 9th 10th 11th 12th। ठीक है, और आपका कुछ पोर्शन ग्रेजुएशन से भी आ जाता है, ग्रेजुएशन से। ठीक है, तो ये TGT PGT के पेपर 2 के हैं सिलेबस। बाकी मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो किस किस चैप्टर से आते हैं, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। उससे पहले पेपर 2 TGT का कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का आएगा। ठीक है, और PGT का कितना का आएगा, 200, मतलब टोटल नंबर। अगर आप TGT में देखो पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो ये 100 नंबर का, ये 100 नंबर का, तो कितने का आएगा, 200 का। ठीक है, एज इट इज ये TGT है। ठीक है, और यहाँ पे हम PGT लिखेंगे, जो पेपर 1 100 नंबर का है और पेपर 2 कितने का है, 200 का। तो PGT में कितने नंबर हैं, 300 नंबर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना क्वालिफाइंग करना है। ठीक है, तो वो जनरल का प्रोसेस सभी में सेम है, 40% 40% दोनों में पास होना है। ठीक है, तो जो पे एग्जाम में चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब एनालाइज करके देखे गए हैं, तो लिखवा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट चैप्टर है सेट रिलेशन एंड फंक्शन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, सेकंड सेकंड क्या है, लॉगरिथम से क्वेश्चन आए हैं, मतलब अप्रोक्स 30 चैप्टर हैं ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं, तो मैं एक एक लिख पा रहा हूँ लॉगरिथमिक। ठीक है,
नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आते हैं आपके क्वेश्चन। नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन आए। नंबर 5, आपके सीक्वेंस सीरीज से भी क्वेश्चन आए, सीक्वेंस सीरीज जो आपकी एपी है, जीपी है और एचपी है, ठीक है। नंबर 6, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन देखे गए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। नंबर 7, नंबर 7 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, प्रिंसिपल प्रिंसिपल PAL आएगा ऑफ मैथमेटिकल एटिकल इंडक्शन। नंबर 8, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। नंबर 9, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैट्रिसेस, ठीक है। नंबर 10, आपका डिटरमिनेंट आ जाता है, डिटरमिनेंट मिनट्स, ठीक है। अभी तो 10 चैप्टर हुए हैं, 30 के लगभग हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर की बारी कौन से की है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। नंबर 12, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस पर है उस पर पूछे जा सकते हैं। नंबर 13, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। नंबर 14, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। नंबर 15, पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, पॉइंट द पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट 16, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, 3D प्लेन और लाइन, लाइन हो गया एंड स्फीयर, स्फीयर, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 17 चैप्टर क्या है, कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन जो रिलेट करता है सर्कल को, ठीक है, पाराबोला को, हाइपरबोला को और एलिप्स को, नेक्स्ट चैप्टर लें 18, 18 लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नंबर 19 क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। नंबर 20 क्या है, मोनोटोनोसिटी, मोनोटोनोसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नंबर 21, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आएंगे, इंटी
रिलेशनशिप को सुनाएंगे जो दोनों को इंक्लूड करेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अगला चैप्टर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर से क्वेश्चन आएंगे 23, वेक्टर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टेटिस्ट स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नंबर 25 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर आप इसी का नाम ले सकते हो क्या, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, कर्व, ठीक है। तो ये 25 चैप्टर हैं जो आपके टीजीटी और पीजीटी के सेकंड पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 25th क्वेश्चन आपके 11th 12th के सिलेबस से थे, जो 9th 10th का सिलेबस आएगा, यहाँ पर मैं इस साइड 9th 10th का सिलेबस लिख रहा हूँ, कितना आएगा 11th 12th का, कितना आएगा और ग्रेजुएशन से क्या क्या आएगा, ठीक है। तो टीजीटी में बात कर लेते हैं, अप्रोक्स 25% 9th 10th से आएंगे, 55% आपका 11th 12th से आएगा और 20% आपका 20% आपका किस से आएगा, ग्रेजुएशन से, ठीक है। यही पीजीटी की बात देखें तो अप्रोक्स 20% 9th 10th से आएंगे और 55% 11th 12th से तो सेम ही आते हैं, बाकी इसमें ग्रेजुएशन के ऐड हो जाते हैं, तो ग्रेजुएशन के कितने आएंगे 25%, ठीक है। तो ये सिलेबस आएगा, तो ग्रेजुएशन में क्या क्या है, ग्रेजुएशन में ऐसा क्या क्या टॉपिक हैं जो आ सकते हैं, तो भी लिख देता हूँ मैं एक बार, ग्रेजुएशन से क्या क्या आएंगे, ग्रेजुएशन से एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ग्रेजुएशन से क्या क्या आएगा आपका, आएगा लीनियर एलजेब्रा के क्वेश्चन आएंगे कुछ, लीनियर एलजेब्रा, ठीक है, एलजेब्रा के क्वेश्चन आ सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के बारे में आ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, ओडीपी से आ सकते हैं, ओडीई पीडीई मतलब वन डेरिवेटिव इक्वेशन, ऑर्डर वन ऑर्डर वन डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, और रियल एनालिसिस से पूछे जा सकते हैं, रियल एनालिसिस, ठीक है। और आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 चैप्टर या टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ग्रेजुएशन से, ठीक है। तो ये मेरा टीजीटी पीजीटी का था, ठीक है। तो पीआरटी का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और बुक और बता देता हूँ कि सबसे बेस्ट बुक आपकी कौन कौन सी रहेगी तैयारी करने के लिए, आप ज़्यादातर तो यूज करो एनसीईआरटी का, अगर आप कर सकते हो एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता दिल्ली के अंदर, या फिर आप बुक कर आर एस अग्रवाल, अगर
वाह, ये दो बुक लो ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो से हम आपका ये सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देख लेना जैसा भी आपका रिवीजन हो। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।